हेलो जी, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के साथ लौकी और मटर की सब्ज़ी बताने जा रही हूँ, जो बिना मसाले की है। तो देखिए, हमने ये लौकी लिए हैं, जो कम से कम आधे किलो लौकी है। इस तरह से हम मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। देखिए, इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। उसके बाद से हमने देखिए एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। देखिए, एक मीडियम साइज़ की प्याज है और एक लहसुन की गांठ है, जो इसे लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर रखे हैं। देखिए, इस तरह से लंबे लंबे। और उसके बाद से चार हरी मिर्च लिए हैं। तो देखिए, चार हरी मिर्च लिए हैं। यहीं पे आधी कटोरी हमने ये हरे मटर लिए हैं। देखिए, आधी कटोरी हरी मटर है और एक टमाटर लिए हैं। देखिए, एक टमाटर लिए हैं, इसे चॉक में कट कर लिए हैं छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद से इसमें हम देखिए थोड़ी सी फ्रेश धनिया लिए हैं, इसे हम सब्ज़ी में ऐड करेंगे लास्ट में। उसके बाद से यहीं पे हमने ये अचार का, देखिए हमने अचार का 1 चम्मच, बड़ी चम्मच से अचार का तेल लिया था। जी हाँ, अचार के तेल डालेंगे। अचार के तेल से सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही टेस्टी आने वाला है। तो चलिए, हम इन्हीं सब चीज़ों से हम अपनी सब्ज़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गैस को कर देंगे ऑन। उसके बाद से इसके ऊपर रखेंगे कढ़ाई। देखिए, इसके ऊपर रखेंगे कढ़ाई। तो देखिए दोस्तों, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे वही अचार वाली तेल। देखिए, इसमें अचार वाली तेल डालेंगे। तो यकीन मानिए, अचार वाली तेल से आप सब्ज़ी एक बार बना के देखिए कितनी टेस्टी लगती है। देखिए, हमने तेल को डाल दिए, तेल हमारी गर्म हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हमारी तेल गर्म होने के बाद से यहीं पे एक छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे और एक छोटी चम्मच हम मेथी दाना ऐड करेंगे। देखिए, सब मेथी दाना ऐड करेंगे। जीरा मेथी को तड़क जाने देंगे। तो देखिए दोस्तों, जीरा मेथी तड़क गया, इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च। उसके बाद से ऐड करेंगे अपना कटा हुआ प्याज, जो चॉप कट किए थे, और इसे हम चलाएंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक चलाएंगे और यहीं पे हम अपने लहसुन को ऐड कर देंगे। तो जीरा मेथी प्याज लहसुन तीनों को ऐड करके इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। तो देखिए, हमारा प्याज मिर्चा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब यहीं पे हम ऐड कर देंगे अपना ये मटर। देखिए, यहीं पे इसे ऐड करेंगे और इसे भी 2 मिनट तक भुनेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे भी 2 मिनट भुनने के बाद सॉटे कर लिए। उसके बाद से टमाटर को ऐड कर देंगे और टमाटर डालने के बाद से हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। तो टमाटर डालने के तुरंत बाद हमें नमक ऐड करना पड़ता है। और यहीं पर हम 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिए। उसके बाद से इसे भी टमाटर को भी 2 मिनट भूनेंगे। तो चलिए, अब हम इसे ढक के थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भूनते हैं, तब तक हमारा टमाटर थोड़ा सा सॉटे हो जाए। देखिए दोस्तों, हमारा टमाटर सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। अब यहीं पे हम अपनी लौकी को ऐड कर देंगे और इसे भी हम मिक्स करेंगे, 2 मिनट तक भूनेंगे लौकी को भी। अब हम नमक ऐड करेंगे लौकी के हिसाब से। 1 चम्मच डाले थे, 1.5 चम्मच छोटी 1.5 चम्मच लौकी ऐड करेंगे, सॉरी नमक ऐड करेंगे। और 2 मिनट तक भूनने के बाद से इसमें पानी ऐड करेंगे। तब तक ढक के 2 मिनट तक इसे भी भूनते हैं। ये दोस्तों, हम 5 मिनट तक लौकी को भून लिए हैं ढक के। उसके बाद देखिए, लौकी हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो हल्की हल्की पानी छोड़ा है, तो इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए, हमने इसमें पानी ऐड करेंगे, नहीं तो लौकी हमारी नहीं सीझेगी। तो देखिए, इसमें 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। इसे ढक के हम पकाएंगे 10 मिनट तक। बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा, नहीं तो आपकी लौकी जल भी सकती है। और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। तो चलिए, 10 मिनट के बाद मिलते हैं।
ये दोस्तों बीच बीच में इसे हम चलाते जाएंगे तो हमारा लौकी बहुत हद तक पक गया है। इसे और भी ढक के हम पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी लौकी हो चुकी है, इसका पानी भी सूख गया है। अब हम यहीं पर अपनी धनिया पत्ता को ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से धनिया पत्ते को ऐड कर लेंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमारी चटपटा सा लौकी की सब्जी बन के हो गई रेडी। तो चलिए इसे चावल के साथ या रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। एकदम सिंपल सा लौकी का सब्जी और खाने में बहुत ही स्वाद। तो चलिए इसे फटाफट हम पैन में सर्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारी कितनी बढ़िया लौकी की सब्जी बन के हुई है रेडी। एकदम सिंपल सा लौकी और खाने में बहुत ही टेस्टी। चलिए आप भी बनाइए, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर।